दोस्तों अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ब्लेंडर मैन हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था कि बुल्ली गुल्ली और सोन को ढूंढने के लिए बाबा के घर के तरफ पैदल ही जाने लगता है, क्योंकि उसकी जीप तो अभी खराब हो चुकी है और बाबा के पास बाइक है। और वहीं दूसरी तरफ सोन को ब्लेंडर मैन ने पकड़ लिया है और वो सोन को पकड़कर जोर जोर से हंस रहा है। ये सब देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा डर जाता है और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे जंगल की तरफ जाना ही होगा। जंगल में जाने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद गुल्ली फैसला करता है कि वो जंगल में जाएगा और इसके बाद गुल्ली जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली को भागता देखकर उस डेड बॉडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी एक ऊंची छलांग लगाता है और गुल्ली का एक पैर पकड़ देता है, इसके वजह से गुल्ली वहीं पर गिर जाता है। गुल्ली उस आदमी से अपनी पैर छोड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसका पैर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और तभी गुल्ली उससे कहता है, छोड़ रे कोड़िया, मेरा जाई दे रे, मैं तो अच्छा ना होता हूँ, कोड़ी फूटता हूँ। ये सुनकर वो आदमी बोलता है, जानी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज तुम्हारा आखिरी दिन है और हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे। गुल्ली बोलता है, कहाँ लेके जाइबे हमका। तभी वो आदमी बोलता है, जानी तुम्हें तो हम नर्क में ले जाएंगे और वहाँ पे तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर पोछा बना देंगे। गुल्ली बोलता है, छोड़वे की ना रे कोढ़िया, ले अब हम तेरा छुले तेरा भूत निकल। एक लात पड़ते ही वो दूर जाकर फेंका जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये देखकर गुल्ली को राहत मिलती है और वो वहाँ से दुम दुबाकर भाग जाता है। और अब ये रुकने वाला नहीं है, चाहे इसके सामने कोई जानवर ही क्यों ना आ जाए। गुल्ली को भागता देखकर ब्लेंडर मैन भी छलांग लगा देता है और वो ऊपर आ जाता है। और तभी उसे काफी तेज गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी ब्लेंडर मैन मन ही मन बोलता है, नहीं बचेगा रे तू, नहीं बचेगा, मेरा एक दोस्त आता ही होगा, देखता हूँ तू कहाँ तक भागता है। और इधर गुल्ली बाबा के घर पर पहुँचने ही वाला है और थोड़ी ही देर में बुल्ली बाबा के घर के पास पहुँच ही जाता है। घर के पास आते ही बुल्ली बाबा के पास जाता है, वो देखता है कि बाबा घर के बाहर आग जलाकर ध्यान लगाए हुए हैं। बुल्ली सोचता है कि बाबा को ध्यान से उठाना ठीक नहीं होगा। तभी बाबा को पता चल जाता है कि बुल्ली सामने खड़ा हुआ है और तभी बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं। और तभी बाबा बुल्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ बुल्ली, तुम आधी रात को 12 बजे यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या या फिर ऐसे ही आए हो, और गुल्ली और सोन कहाँ पर हैं, वो दोनों ठीक तो हैं। ये सुनकर बुल्ली बाबा को सारी बातें बता देता है। गुल्ली और सोन को मिस्टर मीट का घर खरीदने के लिए एक बायर मिला था और वो दोनों घर को बेचने के लिए गए हुए हैं और अभी 3 घंटा हो चुका है, लेकिन वो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए, उन लोगों ने कहा था कि वो दोनों 1 घंटे में आ जाएंगे। बुल्ली की बात सुनकर बाबा बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की और तुम यहाँ पर पैदल क्यों आए हो, जीप नहीं थी क्या। बुल्ली बोलता है कि नहीं बाबा, जीप मेरे पास ही है लेकिन वो अभी खराब हुआ है। गुल्ली और सोन को ढूंढने के लिए मुझे जीप की जरूरत थी, इसलिए आप मेरे साथ चलिए गुल्ली और सोन को ढूंढने के लिए। ये सुनकर बाबा बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे बाइक पे बैठ जाओ, हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन तुम पेट्रोल भरा देना कभी, क्योंकि पेट्रोल काफी ज्यादा महंगा हो गया है, तेल भराते भराते मेरा ही तेल निकल चुका है। और इसके बाद बाबा बाइक पर गुल्ली के साथ बैठ जाते हैं और फिर वो बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। बाबा अपनी बाइक को काफी ज्यादा स्पीड में भागा रहे होते और जल्दबाजी में बाबा अपने घर के बाहर जलाए हुए आग को बुझाना ही भूल जाते हैं। और इधर गुल्ली भागते भागते काफी दूर तक आ चुका है और वो जंगल में पहुंच चुका है और उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है कि कहीं उस पर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। और उसे इस बात की खुशी भी है
कि वो ब्लेंडर मैन से बचकर भाग चुका है और अब वो सीधा बाबा के पास जाएगा। लेकिन तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है और उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है। अरे ये क्या, ये कौन है? ये तो कोई किलर लग रहा है। अरे याद आया, ये तो जेब द किलर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ये गुल्ली को मारने तो नहीं आया है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये ब्लेंडर मैन का वो दोस्त है, इसको ब्लेंडर मैन ने बुलाया था। गुल्ली जेब द किलर को सामने देखकर काफी ज्यादा डर चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी जेब द किलर गुल्ली के पीछे आने लगता है और उसे दौड़ा देता है। ये देखकर गुल्ली का फटके हाथ में आ जाता है और वो भी वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि जेफ उसे मार देगा और जेफ के एक हाथ में खंजर है जिससे वो सबको मारता है। और वहीं दूसरी तरफ बाबा और बुल्ली बाइक से मिस्टर मीट के घर की तरफ पहुँच चुके हैं और फिर बाबा बाइक को मिस्टर मीट के घर के सामने रोकते हैं और घर देखने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि गुल्ली और सोन तो जंगल में है। और तभी बाबा बोलते हैं, अरे बेटा बुल्ली, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, तुम्हें सही से याद तो है कि यही मिस्टर मीट का घर है? ये सुनकर बुल्ली बोलता है कि बाबा मुझे याद है, यही मिस्टर मीट का घर है और पता नहीं गुल्ली और सोन कहाँ पर है। बाबा आप एक बार अपनी शक्तियों से गुल्ली और सोन को ढूंढने की कोशिश तो करिए, क्या पता वो दोनों आपको मिल जाए। बाबा बोलते हैं कि ठीक है बुल्ली, मैं अभी अपनी शक्तियों से वो दोनों का पता लगाता हूँ, तुम बस शांति बनाए रखना। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली और सोन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद बाबा को कुछ भी पता नहीं लगता है। फिर वो बुल्ली से बोलते हैं, मुझे गुल्ली और सोन का कुछ भी नहीं पता चल रहा है बुल्ली। बुल्ली बोलता है, बाबा हो सकता है कि वो दोनों जंगल में गए हुए हो, हमें एक बार जंगल में जाकर देख लेना चाहिए, आप जंगल की तरफ चलिए। ये सुनकर बाबा अपनी बाइक को 100 की स्पीड में जंगल की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और इधर गुल्ली दोबारा ब्लेंडर मैन के पास आ चुका है और वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। और तभी जेफ द किलर गुल्ली को एक लात मारकर गिरा देता है। गुल्ली दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद ब्लेंडर मैन बोलता है कि सही टाइम पर आए हो जेफ, अच्छा किया, तुम्हें अब क्या चाहिए जेफ, पहले तो तुम ये बताओ। ये सुनकर जेफ हंसते हंसते बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम एक मस्त सी पार्टी दे दो, क्योंकि पार्टी किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। ब्लेंडर मैन बोलता है कि पार्टी तो मैं दे दूंगा, लेकिन पार्टी में शराब और चखना के बिना मजा नहीं आएगा, जाओ तुम जाकर शराब और चखना लेकर आओ। जेफ द किलर बोलता है, शराब और चखना तो इस घर में ही होगा, इस आदमी से मांगता हूँ, लेकिन पहले तुम इस मोटू का बिरयानी बनाओ, मुझे टेस्ट करना है। जेफ की बातें सुनकर ब्लेंडर मैन बोलता है, ठीक है, अब मैं पहले इसका इंसानी कीमा बिरयानी बना देता हूँ। इसके बाद ब्लेंडर मैन गुल्ली को अपने पैरों से कुचल देता है। तो दोस्तों क्या होगा गुल्ली और सोन का? सॉरी, गुल्ली तो अब मर चुका है, तो क्या होगा सोन का? क्या बाबा और बुल्ली सोन को बचा पाएंगे या फिर सोन भी मारा जाएगा? ये हम देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इस वीडियो पर 100 के व्यूज के बाद ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।